Shanti. आज का राजयोग का ये सत्र जो है कर्म की पहचान और आज संसार के अंदर मनुष्य के सबसे अधिक प्रश्न अगर होते हैं तो कर्म फिलॉसफी को लेकर के ही होते हैं। ये कर्म का फल ऐसा क्यों, या ये कौन सा कर्म का फल है, या कल जैसे हमने एक प्रश्न देखा कि मनुष्य जीवन में ये प्रश्न बना रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा नहीं, फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, या भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उस सवाल का जवाब में एक पहलू हमने समय के महत्व के आधार से समझा कि कभी कभी समय का पर्दा जब उठता है तब पता चलता है कि उसमें क्या कल्याण समाया हुआ होता है, परंतु मनुष्य जीवन में जब भी ये प्रश्न आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब का दूसरा पहलू कर्म की गुह्य गति है। और जब कुछ दृश्य ऐसे हमारे सामने आते हैं जिसको देख करके मनुष्य के मन में ये और गहन विचार चलता है कि बहन जी इसमें समय की भी बात नहीं है, कुछ और महसूस होता है। तब यही कहते हैं कि कर्म की गति अति गुह्य है, और इस गुह्य गति के आधार पर कौन से कर्म का ये फल कहेंगे। मुझे याद आता है कि एक बार मेरा कार्यक्रम बंबई में था, एक कंपनी में प्रोग्राम था 3 से 5 दोपहर के समय में, शाम का समय मेरा फ्री था, तो जिस आश्रम पर हम थे, जिस सेंटर पर थे, वहां एक परिवार वाले आकर मुझसे कहने लगे कि बहन जी अगर शाम का समय फ्री हो तो हम आपका एक प्रवचन रखना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आध्यात्मिक विचार वाले लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी एक प्रवचन हो जाए। हमने कहा शाम का समय तो हमारा फ्री है ही है, भले आप रख सकते हो, और कोई कार्यक्रम नहीं है। बड़े खुश होकर के वो गए। अब जहां हमारा कार्यक्रम था दोपहर को, 5 बजे कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ लोगों से मिलना करना था, कुछ प्रश्न उत्तर हुए, उसमें करीबन 5:30-6 हो गए हमें। तो जैसे हम निकलने लगे, जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी कि बहन जी अगर अब हम सेंटर जाएंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे तो एक तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, और कहीं अगर जाम में फंस गए तो 7 बजे भी उनके घर पहुंचेंगे नहीं।
तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए, तो कहा अगर यहां से सीधा चले तो। मैंने पूछा कितना दूर है, कहा बस 10 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कहने लगे कि वो परिवार बहुत अच्छा है, अगर जल्दी भी पहुंच गए तो they won't mind। कहा ठीक है चलिए। अब उन्होंने 1 घंटा पहले हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम पहुंच गए 6 बजे में। तो जब हम पहुंचे तो देखा सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, कोई सीरियल चल रही थी। जैसे ही हमें देखा तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद कर दो, तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं हैं। आज की दुनिया में माँ बाप का कम ही चलता है बच्चों के आगे। हम देख रहे थे तो माता पिता ने कहा कि अच्छा वॉल्यूम स्लो कर लो। बच्चों ने उस बात को मान लिया, वॉल्यूम स्लो कर दिया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी भी चल रही थी, उनका वॉल्यूम तो स्लो करा दिया, लेकिन यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या हुआ, कुछ लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे पूछताछ कर रहे थे। तो जरूर है बच्चों को डिस्टर्ब होगा। तो उनके घर में जो सबसे छोटा वाला बच्चा था, 12-13 साल का होगा, वो उठ करके आया और मुझसे कहने लगा, दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी सभ्यतापूर्ण उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आई। उसके बाद वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा, कैसा है ये सीरियल बहुत अच्छी है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि आज उसका स्पेशल एपिसोड है और इस स्पेशल एपिसोड में कोई सस्पेंस खुलने वाले हैं और हम उसको जरूर देखना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, भले देखिए। अब चुप रहना था तो क्या करते, तो मैंने सोचा कि देखे तो सही, ऐसी क्या सस्पेंस उसकी है जिस कारण उसने मुझे चुप करा दिया। मैं देखने लगी, लेकिन एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था। कहानी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु बीच बीच में उनका क्या सस्पेंस खुलता था मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बड़े खुश हो जाते थे, वाह बहुत अच्छा दिखाया। अब हमें तो समझ में ही नहीं आया कि इसमें क्या अच्छा है। जब पूरा हुआ तभी भी कोई खास बात नहीं लगी, परंतु वो बड़े खुश थे, बहुत अच्छा दिखाया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था। एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था। कहानी क्या थी ये भी समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या अच्छा था। तो बच्चा मुझे कहने लगा कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, तो हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ था और इसलिए हमें अच्छा लग रहा था। इतना बोल करके वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद मेरा चिंतन चला कि वो कितनी बड़ी बात कह के गया। और मैं सोचने लगी कि 5000 साल का ये चक्र अगर हो तो हमारे भी कितने जन्म होंगे, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है,
अब ये लास्ट एपिसोड है कलयुग का, अब इसमें तो सारे सस्पेंस ही होंगे। जीवन के अंदर भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं है, हमारी जीवन में कोई कहानी भी नहीं है, लेकिन हर दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा या नहीं होगा। अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो शायद उन बच्चों की तरह हम भी यही कहते थे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि हमें एक भी एपिसोड याद नहीं है, इसलिए इस जीवन के अंदर जो दृश्य जो घटनाएं होती है उसको देख करके हम बड़े दुखी हो जाते हैं और यही कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा होना था। लेकिन उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो है या नहीं है? जरूर है। तो इसलिए कर्म की गुह्य गति, उसको कहा ही गया है गुह्य गति, डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्म, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत भगवान ने जो समझाया है और आज दिन तक भी हम जानते उस सिद्धांत को, और वो सिद्धांत यही है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। और ये स्पिरिचुअल लॉ कहो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म कहो, इतना एक्यूरेट है कि उसमें भगवान कुछ नहीं करता है, हमारे कर्म ही फाइनलाइज करते हैं। हर कर्म का जो प्रत्युत्तर है वो हमें प्राप्त होना ही है, जैसा किया वैसा प्राप्त होगा, जितना किया उतना प्राप्त होगा, और जो करेगा सो पाएगा, अटल है। इस नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता है, संसार की कोई शक्ति नहीं है जो इस नियम को बदली कर दे। इसलिए अगर हम आज इस बात को समझ ले, इस सिद्धांत को समझ ले, तो शायद आगे के हर कर्म के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, उसमें भगवान का कहीं रोल नहीं है। मुझे याद आता है महाभारत का वो दृश्य कि जब पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि उस समय भगवान लेटे हुए थे, दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठ जाता है, अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही भगवान की आंखें खुली तो अर्जुन को सामने देखा, और देखते ही कहा, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाएगा। अर्जुन ने कहा ठीक है तुम मांग लो। उस वक्त भगवान ने यही कहा कि ठीक है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए बोलो। और एक वाक्य जोड़ दिया वहां पर भगवान ने, बहुत सूक्ष्म, और वो वाक्य था कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी जरूर बन सकता, सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। जीवन भी एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में, युद्ध में,
जहां हर कदम व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, इस युद्ध में भगवान सारथी बन सकता है, लेकिन हमारे बदले वो युद्ध करे, ये कर्म की गुह्य गति अलाउ नहीं करती है कि भगवान हमारे कर्म में इंटरफियर करे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी तुम्हारा जो जीवन का युद्ध है तुम्हें ही लड़ना होगा, मैं सारथी बनूंगा, गाइडेंस जरूर दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बदले युद्ध करूं ये संभव नहीं है। तो भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता है, कायदा नहीं है। हमारे जीवन का युद्ध हमें खुद लड़ना होगा और उसके लिए पास्ट के जो कर्म है वो सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार के या किस क्वालिटी का जन्म होगा और किस क्वालिटी का जीवन यात्रा होगी। इस जीवन यात्रा को भी हमारे कर्म फाइनलाइज करते हैं। आज अगर हम अपने आप को देखें एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में और हम ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर जीवन की क्वालिटी अच्छी है हमारी, अच्छे घर में अच्छी शिक्षा के साथ हम बड़े हुए, सभ्यतापूर्ण हमारा जीवन है, भाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य कोई अच्छे कर्मों का फल है, परंतु इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न हो जो आगे का जीवन यात्रा हमारी कहीं न कहीं कोई तकलीफ की अनुभूति करा दे और अच्छे से अच्छा बन जाए, बहुत अच्छी बात है। तो कर्म सिद्धांत जो है उसको हमेशा स्मृति में रखते हुए जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हर समय एक जागृति के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे और वो महात्मा जी अपने आश्रम में साधना करते थे, कुछ शिष्य थे उसके पास। एक दिन महात्मा जी के मन में विचार आया कि मैं आगे कुछ तपस्या करना चाहता हूं, उसके लिए हिमालय में जाना चाहता हूं। तो उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि देख, मैं हिमालय में आगे तपस्या करने जाना चाहता हूं और मेरे पीछे आश्रम की संभाल तुम करो। कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा कि मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन है मेरे पास में, अगर तुम मुझे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, लेकिन याद रहे कि कल का दिन मेरा मौन का है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कुछ पूछेगा तो मैं लिख करके जवाब दे दूंगा। रात में दोनों सो गए, दूसरे दिन जब सुबह उठे तो शिष्य के मन में विचार आया कि कम से कम मैं गुरुजी से इतना तो पूछ लूं कि उनके पीछे मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा। तो गुरुजी के पास जाता है और पूछता है कि गुरुजी, कम से कम आप मुझे इतना बता दो कि आपके पीछे मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। गुरुजी का तो मौन था, कागज उठाया, कलम उठाई और उस पर एक शब्द लिख दिया, अवेयरनेस, जागृति, और शिष्य को दे दिया। शिष्य ने देखा
अवेयरनेस, दैट्स ऑल, कुछ नहीं। ये तो इजी है, माना मुझे जागृत रहना है। बाहर निकल गया कुटिया से, लेकिन बार बार जब वो कागज को देखे तो कंफ्यूज होता रहा कि गुरुजी ने और कुछ कहा ही नहीं, बस एक ही बात कही, जागृति। कुछ आगे कुछ पीछे भी लिख देते थे। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया तो फिर से गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख दीजिए। गुरुजी ने फिर वो कागज उठाया, एक शब्द आगे जोड़ा, एक शब्द पीछे जोड़ा। आगे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था। अवेयरनेस, 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 जागृति, जागृति, जागृति। शिष्य के हाथ में जब दिया, शिष्य ने पढ़ा, सोचा कि ठीक है, गुरुजी यही कहना चाहते कि मुझे जागृत रहना चाहिए। उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी ही थी कि वो उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहा था। बाहर निकला, बार बार उस कागज को देखे, बार बार यही सोचे कि गुरुजी ने और कुछ लिखा ही नहीं, तीन बार ये बात को लिखी, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। आखिर मतलब क्या है? कम से कम मतलब भी तो समझा देते थे कि जागृत माना कैसे जागृत रहना है मुझे। सोच सोच करके जब बहुत परेशान हो गया, फिर से गुरुजी के पास गया। गुरुजी को जाकर कहा कि गुरुजी कम से कम इतना बता दीजिए कि अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू व्हाट। गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, लिख दिया इज इक्वल टू अवेयरनेस। मैसेज बहुत सिंपल था, लेकिन शायद उस शिष्य की समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी का मैसेज यही था कि व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स फॉर अदर्स? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर स्पीच? यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। What is the quality of your feelings? जागृत रहना है कि विचारों की क्वालिटी क्या है, भावनाओं की क्वालिटी क्या है, कर्म की क्वालिटी क्या है, वाणी की क्वालिटी क्या है, व्यवहार की क्वालिटी क्या है, हर कदम जो हम उठाते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। कितना डीप मैसेज था। कर्म की गुह्य गति को लेकर के ये बात गुरुजी उसको समझाना चाहते थे कि हर कर्म के प्रति तुम्हें जागृत रहना है, और वो कर्म को स्टिम्युलेट करने वाले विचारों के प्रति तुम्हें जागृत रहना है। कर्म करते वक्त तुम्हारा इंटरैक्शन में जो भावनाएं हैं उसके प्रति जागृत रहना है। कहां जागृति नहीं चाहिए? क्या हम भी अपने जीवन के अंदर इतनी ही अवेयरनेस को लेकर के चल रहे हैं? और अगर अवेयरनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे हर कर्म से किसी न किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, और वो कर्म का फल, वो भावनाओं का फल, वो विचारों का फल सूक्ष्म गति को लेकर के भी हमें प्राप्त होना ही है। इसलिए कहा कर्म की गति अति गुह्य है, डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्म, और उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के साथ जन्म का कनेक्शन है। शास्त्रों में हमें यह बता दिया गया एक ही लाइन के अंदर कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म प्राप्त होगा, और इसीलिए जन्म में यही दिखाया गया कि 84 लाख योनियां हैं,
और जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। आज वो 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा हर कर्म का फल भोगने के लिए, और तब जाकर के लास्ट में मानव देह प्राप्त होगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि मानव देह अमूल्य है, क्योंकि बहुत जन्म के बाद वो प्राप्त होता है। परंतु आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं है? खुशी नहीं हुई क्या? ये मनुष्य जीवन फिर मिलेगा, ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। हाँ, शास्त्र में जो भाव से कहा गया है शायद उस भाव को हम समझे नहीं है, क्योंकि अगर तर्क की कसौटी पर इस बात को कसा जाए तो देखा जाता है कि मनुष्य के लिए यही कहा गया कि जैसा कर्म करेगा वैसी योनि प्राप्त होगी, उस योनि में जाना पड़ेगा कर्म का फल भोगने के लिए। शास्त्रों में ऐसे कहा कि मानो किसी ने हिंसा का कर्म किया तो कहेंगे उसको हिंसक योनि प्राप्त हो जाएंगी, कोई वाघ या सिंह बनना पड़ेगा जहां उसका जीवन ही हिंसा के आधार पर चलता है। लेकिन ये कहां तक सत्य है? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने कोई हिंसा की और उसके फल स्वरूप मुझे कोई हिंसक योनि में जाना पड़े, तो वहां मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे या हिंसा के संस्कार और दृढ़ बनेंगे? क्या कहेंगे? और दृढ़ बनेंगे। तो फल कैसे मिला? फल उसको कहा जाता है कि जहां मुझे रियलाइजेशन हो कि ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस डीप रियलाइजेशन से उस संस्कार को मैं चेंज कर दूं। ये है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर मेरे संस्कार और दृढ़ बन रहे हैं, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, तो फल कैसे मिला? मुझे याद आता है कि एक बार यहां जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, जैसे ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस चलती है माइंड बॉडी मेडिसिन की, ऐसे जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी। और उस जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत के बहुत सुप्रसिद्ध चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कृष्ण अय्यर जी आए थे उस समय के। अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन उस समय जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने कहा कि हम जजेस जो है जजमेंट कैसे देते? तो कहा हमारे सामने केस आता है, उसकी सुनवाई होती है, और सुनवाई होने के बाद सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जजमेंट दे देते हैं कि ये गुनाह जिस हालत में किया गया था उसकी सजा इतना साल जेल, एक चोर आया तो उसको इतना साल जेल, एक खूनी आया तो उसको गुनाह किस हिसाब से किया हुआ है तो या फांसी की सजा या आजीवन कारावास या इतने सालों की जेल, ऐसे हम लिख देते हैं जजमेंट, और हम सोचते हैं हमने सही जजमेंट दे दिया। लेकिन उसके बाद
उस जजमेंट के बाद उस चोर को वहीं भेजा जाता है जहां दूसरे चोर है, उसी सेल में भेजा जाता है। एक खूनी को वहीं भेजा जाता है जहां दूसरे खूनी है, उसी सेल में भेजा जाता है। अब वहां जाने के बाद उसका स्वागत कैसे होता है? भाई एक और भाई हमारा आया, और लाइक माइंडेड जहां मिल जाते हैं तो उनकी बातें क्या होगी, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करने लगते अंदर ही अंदर, और कोई काम तो है नहीं, फ्रेंडशिप करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, तुम कैसे पकड़ा गया, और पूछने के बाद उनको टेक्निक सिखाते, ये करते थे तो नहीं पकड़ा जाता था, ऐसा करते थे तो नहीं पकड़ा जाता था, है ना। और कभी कभी वो दोस्ती इतनी गाढ़ हो जाती है जो अंदर ही अंदर एक गैंग बन जाती है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो पक्के चोर होकर के और टेक्निक सीख करके बाहर निकलते हैं। क्या यही हमारा जजमेंट है? माना जहां उस व्यक्ति को अपने गुनाह का कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो उसको सजा क्या दिया हमने? सजा उसको कहा जाए जहां उसको रियलाइजेशन हो कि ये कर्म जो मैंने किया वो बहुत गलत था और मुझे नहीं करना चाहिए, और वो सुधर जाए या परिवर्तन हो जाए, तब कहेंगे हां सही रूप में हमने सजा दिया। लेकिन अगर वो और पक्का चोर होकर के बाहर निकलता है और पक्का खूनी होकर के बदला लेने की भावना के साथ फरार होता है, तो जजमेंट कैसे दिया? और क्या यही, ये बात सुनने के बाद मेरे मन में भी विचार आया, क्या भगवान का भी यही तरीका है सजा देने का, जजमेंट करने का, कि अगर मनुष्य ने गलत कर्म किया, हिंसा किया, तो उसको हिंसक योनि में भेज दो, तो वहां उसके संस्कारों का न रियलाइजेशन है तो परिवर्तन कहां से होगा? तो भगवान का सजा देने का तरीका यह नहीं हो सकता है। और तब मुझे ये बात समझ में आई कि वास्तव में भगवान सजा देता ही नहीं है, सजा तो मनुष्य के अपने कर्म ही उसको प्रदान करते हैं। और उस बात पर जब चिंतन चलने लगा तो यही आया कि नहीं, मनुष्य उस योनि में नहीं जा सकता है अपने कर्म का फल भोगने के लिए। दूसरी बात, हम ये क्यों समझे कि जानवर योनि भोगना की योनि है, सजा की योनि है? क्या मनुष्य योनि सजा की योनि नहीं है? आज मनुष्य कितने रूप से सजा भोगता है? जानवर तो एक फिजिकल रूप से ही सजा भोगता है, मनुष्य मेंटल, इमोशनल, सोशल, कितने रूप से, खाली फिजिकल नहीं, कितने रूप से सजा भोग रहा है। तो सजा की या भोगना की योनि कौन सी है, मनुष्य योनि है या जानवर योनि है, क्या कहें? तो आज से पहला ये बैरियर जो है हम निकाल दें कि जानवर योनि भोगना की योनि है, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है। पंछियों को देखो, मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस है ना? और मनुष्य को तो कितने प्रकार का स्ट्रेस, कितने प्रकार की भोगनाएं। और दूसरी बात ये आती है मन के अंदर कि मान लो कि मनुष्य अनेक योनियों में गुजर करके अपने कर्म का फल भोग करके लास्ट में जब मानव देह को प्राप्त करे तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए, हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए ना। तब कई बार कई लोग जन्मते ही डिफेक्टेड होते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन आजकल तो मां के गर्भ में बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ता है,
जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले कौन सा कर्म किया उसने? अगर पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, सारी योनियों में जाकर के आया, भोग करके आया, तो अब जब मानव योनि में आया तो परफेक्ट होना चाहिए, गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उसको तकलीफ है, डिफेक्ट है, तो पैदा होते ही उसने कौन सा कर्म किया जो उसको ये भोगना के साथ जन्म लेना पड़ रहा है? तो इसलिए भी ये हिसाब बैठता नहीं है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। और ये जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं कि एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा होता है और दूसरे बच्चे को जन्मते ही दूध भी नसीब नहीं होता है, ये कर्म का फल है। और पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही ये फल भोगता है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म के फल को भोगना पड़ता है, दूसरी योनियों में जाकर के नहीं। और आज मनुष्य को कितने रूप से भोगना भोगनी पड़ती है, जीवन में उदासी आती है, क्या ये भोगना नहीं है? स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्या ये भोगना नहीं है? दुख दर्द बीमारी ये सारी क्या भोगना नहीं है? कभी कभी तो इतनी भोगनाओं से उसको गुजरना पड़ता है कि आखिर मनुष्य थक करके हार करके सुसाइड कर लेता है, आपघात करने का सोच लेता है। कभी सुना कोई जानवर ने आपघात किया? तो भोगना की योनि कौन सी है, मनुष्य योनि है कि पशु योनि है? मनुष्य योनि है। तो इसीलिए कहा कि सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल स्पिरिट इमोशनल सोशल हर रीति से उसको भोगनाओं से गुजरना पड़ता है। इतना वो महसूस करता है कि कभी कभी आपघात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आपघात करने के बाद भी उस कर्म के फल से तो छूट नहीं सकता है। दूसरा जन्म लेगा, वहां जाकर उस कर्म का फल फिर से भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो आपघात करना इमैच्योरिटी मानी जाती है या समझ की कमी मानी जाती है कि अरे यहीं भोग लो, आगे उसको कैरीड फॉरवर्ड क्यों करते हैं? तो आज से ये बात हम अपने दिमाग से निकाल दे कि जानवर योनि भोगना की योनि है। नहीं, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है, मनुष्य योनि भोगना की योनि है। और इसलिए हमें अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। कुदरत का भी ये नियम है, जैसा बीज वैसा फल। आज मैं आम का बीज डालूं तो मुझे उसमें से एप्पल नहीं मिलने वाला है, या आम का बीज डालूं तो उसमें से मुझे चीकू नहीं मिलने वाला है, जबकि दोनों पेड़ बाजू बाजू में लगाए जाते हैं। वही धरनी है, वही हवा है, वही पानी है, वही सूर्य की धूप है, उतनी ही मात्रा में, लेकिन एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है, कायदा है। ठीक इसी तरह आत्मा भी एक बीज है, और उस बीज को परमात्मा ने जब मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो उसमें से दूसरा फल जानवर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। या एक आत्मा को जानवर योनि में रोपित कर दिया तो वो मनुष्य कैसे बन सकता है?
जिस तरह एक बीज से दूसरा फल नहीं निकलता है, अगर पूछा जाए कि क्या कारण है, क्यों नहीं मिलता है, तो यही कहेंगे हर बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी है, फीचर्स अपने अपने हैं, उसकी पोटेंशियल, हर चीज अपनी अपनी है। इसलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है। ठीक इसी तरह हर आत्मा की पोटेंशियल भी अपनी अपनी है। जानवर योनि की जो पोटेंशियल है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, वो मनुष्य योनि के नहीं है, और मनुष्य आत्मा की जो पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, वो जानवर योनि के नहीं है। तो एक बीज से दूसरा फल कैसे मिलेगा? आज मनुष्य योनि की विशेषता क्या है कि मनुष्य योनि में एक्स्ट्रा समझ है, 10 साल का प्लानिंग कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, इतनी पोटेंशियल है, विवेक यूज कर सकता है, उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसके बारे में भी सोचकर इकट्ठा कर लेगा, और जानवर शाम को क्या खाना है वो भी इकट्ठा नहीं करता है। उसकी विवेक शक्ति बहुत कम है, है ये नहीं कि नहीं है, बहुत कम है मनुष्य के हिसाब से। उसकी प्लानिंग करने की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो मनुष्य आत्मा की जो विशेषता है वो जानवरों की नहीं है, और जो जानवर की विशेषता है वो मनुष्य में नहीं है। जानवर की कौन सी विशेषता है कि आज कोई नेचुरल कैलामिटीज होने वाली होती है तो पशु पक्षियों को पहले पता चलता है। मनुष्य के पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो बता नहीं सकता है कि हम भाई 1 घंटे के बाद भूकंप आने वाला है, नहीं बता सकता है। और पशु पक्षी के पास ये सेंसर बहुत पावरफुल है जो पहले ही वो आवाज करने लगते हैं, अलग प्रकार की हरकतें करने लगते हैं, ये बताता है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास नहीं है, और हमारी जो कैपेसिटी है वो उनके पास नहीं है। तो हर आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है, इसलिए भी मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जा सकता है, या पशु आत्माएं मनुष्य योनि में नहीं आ सकती है। तब कई बार कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं, फिर जानवर को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मनुष्य बने? तो मैं एक ही बात पूछती हूं उनको कि क्या कभी मनुष्य को ये मन होता है कि हम जानवर बने? अगर हमें मन नहीं होता है तो उनको कहां से होगा? हर आत्मा अपनी अपनी योनि में बहुत खुश है। कैसे कैसे पता चला कि जानवर योनि में जानवर लोग बहुत खुश हैं? जिस तरह आज एक मनुष्य अगर बहुत दुखी हो, पीड़ित हो, अनेक बीमारियां उसको है, और भगवान उसके सामने प्रसन्न हो जाए और पूछे कि भाई तुम इतना तकलीफ में है, बीमार है, इतने पीड़ित है, तुम्हें दूसरा जन्म कोई पशु पक्षी का दे दूं या कीड़ा मकोड़ा का दे दूं, तो क्या कहेगा मनुष्य? क्या कहेगा? नहीं, नहीं जाना चाहता है। इतनी बीमारियां, तकलीफ, पीड़ा होने के बाद भी वो इसी योनि में रहना चाहता है। इसी तरह आपने जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को भी देखा होगा कि जब अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं ना, और उसको धूप में रखो तो कीड़ा भी अपनी जान बचाने भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसको अपनी योनि अति प्रिय है, इसलिए भाग रहा है। एक बार मैंने एक कार्टून देखा, और कार्टून में यही देखा कि 3 बंदर आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बंदर कहता है,
कि सुना है कि मनुष्य कहता है वो हमारी वंशज है, तो दूसरा बंदर कहता है क्या कहा, मनुष्य की प्रमोशन हो गई क्या? तो तीसरा बंदर कहता है मैं तो कभी उसको अपनी वंशज के रूप में स्वीकार न करूं, ये तो इतना गिर चुका है, आज मनुष्य मनुष्य का खून का प्यासा हो गया है, ये हमारे संस्कार ही नहीं है। इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति पर कि आज बंदर भी हमें अपनी वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इतना मनुष्य अपने कर्मों से गिर चुका है। माउंट आबू जब जाते हैं रास्ते में बहुत बंदर आते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं। एक बार जब हम जा रहे थे माउंट में तो देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, बंदर उछल कूद कर रहे थे, तो इस तरफ से इस तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, कूद रहे थे। वो ट्रक आ रहा था तो एक बंदर का जजमेंट थोड़ा फेल हो गया, उसी समय वो कूदा और सामने जाने के लिए, और वो टक्कर लगी ट्रक की और बेहोश होकर के जैसे गिर गया। ट्रक तो निकल गई और हमने देखा कि सारे बंदर उछल उछल करके वहां पहुंच गए। भाई उनका एक साथी को टक्कर लग गई, उछल उछल करके वहां पहुंच गए और सब आसपास होकर के उसको बैठ गए। उन्हें महसूस हुआ कि इसको टक्कर जो लगी है बेहोश हुआ है, मरा नहीं है, जिस भी विधि से पता किया हो, है ना, डॉक्टरों को तो अनेक साधन चाहिए लेकिन उनको वो साधनों की आवश्यकता नहीं है। महसूस कर लिया कि भाई ये बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा कि सारे बंदरों ने मिल करके उसको खींच करके साइड में कर दिया ताकि दूसरा कोई वाहन उसके ऊपर से न चला जाए, और बैठे रहे उसको होश आने तक। और जैसे ही बैठे रहे, जैसे ही उसको होश आया, जैसे बड़ी खुशी हो गई उनको, और सब जैसे वापस खुशी में आकर के एक दूसरे के साथ में मिलकर के खेलने लगे। ये बंदर है। और हम भी जा रहे थे अहमदाबाद, पालनपुर आने से पहले ही हमारा कार का एक्सीडेंट हुआ, पूरा एक ट्रक के अंदर घुस गई। सबकी दुआएं थी या ईश्वर की कृपा कहो कि हमें खरोच तक नहीं आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था तो अंदर ही थे, क्योंकि इस तरह से सारी गाड़ी नुकसान हो गई। हमने देखा गाड़ियां जाती रही, देखते रहे लोग, लेकिन खड़े होने की समझ नहीं थी या पूछे कि बहन जी कुछ हुआ, आपको कोई मदद चाहिए? नहीं, हमसे तो बंदर अच्छे। आज ये मनुष्य है, इतना समझदार, इतना शिक्षित होने के बाद भी उनके अंदर ये भावना नहीं है। व्हाट्सएप पर भी एक बार एक क्लिप आई हमारे पास में कि हाईवे पर इतनी गाड़ियां चल रही है, फोर लेन है, फोर लेन फाइव लेन का रास्ता था, और एक कुत्ता जो है एकदम उसको टक्कर लगी। शायद आप लोगों के पास भी ये क्लिप आई होगी, आपने देखा होगा। दूसरा कुत्ता दौड़ करके उसको खींच खींच करके ले आता है, बचाते बचाते रास्ते के किनारे पर, और वो कुत्ता बच जाता है। और एक मनुष्य का बच्चा, उसकी माँ उस बच्चे को लेकर के मार्केट में गई थी, कब वो बच्चा दुकान से बाहर निकल करके आ गया
एक गाड़ी की टक्कर लगी, गिर जाता है बच्चा, वो गाड़ी वाला पहिया उसके ऊपर से चला के ले जाता है। लोग वीडियो खींच रहे हैं, कोई दौड़ा नहीं उस बच्चे को मदद करने के लिए। दूसरा वाहन आया, वो भी उसके ऊपर से चढ़ा के ले गया, बच्चा तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। माँ अंदर से एकदम दौड़ के आई, देखती है बच्चा इतना तड़प रहा है, उठा करके लिफ्ट मांग रही है कि कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे। कोई ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, दौड़ते हुए जाती है, हॉस्पिटल पहुंचती है, वो बच्चा मर गया। कुत्ता बच गया, बच्चा मर गया। ये है आज के मनुष्य। इसलिए कहा कि इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति के ऊपर कि बंदर भी हमें वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। कहते ये तो एक दूसरे का खून का प्यासा है, ये हमारे संस्कार हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहा कि डार्विन की जो थियरी है कि बंदर से मनुष्य बना, बंदर से मनुष्य नहीं बना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंट्रोपी एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज टू अ डिसऑर्गेनाइज स्टेज, न कि डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की ओर। मनुष्य अपने पूर्वजों के रूप में अगर देखा जाए तो बंदर नहीं, असभ्य नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा सभ्य था, दिव्य सभ्यता जिसके अंदर थी, और वहां से गिरते गिरते आज मनुष्य बना। तो डार्विन की थियरी हाइपोथेसिस है, आज मॉडर्न साइंस ने उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि अगर बंदर से मनुष्य बना हो तो आज भी वो स्पीशीज के बंदर है। जू में देखने को मिलता है, होमो सेपियंस ऐसे लिखा होता है वहां पर। अगर साइंस टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता है, तो क्या उन बंदरों को मनुष्य बनाकर नहीं दिखा सकता है? तो इसीलिए मॉडर्न साइंस ने डार्विन की थियरी को भी डिस्कार्ड कर दिया है कि हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत दिव्य सभ्यता वाले थे, वहां से हम गिरते गिरते मनुष्य बने हैं। और वैसे भी आज विज्ञान ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं तो अब विज्ञान भी, मेडिकल साइंस भी रीबर्थ में मानना शुरू कर दिया है। क्या मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है? कई जगह ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, और किसी ने आज दिन तक ये नहीं बताया कि मैं जानवर से मनुष्य बना, ये नहीं बताया है। मनुष्य से मनुष्य बना, जिसको भी अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गई है, वो पूर्व जन्म की स्मृतियां यही बताती है कि वो मनुष्य से ही मनुष्य बना है। और विदेशों के अंदर तो कई बार साइकोलॉजिकली कैरिड फॉरवर्ड जो फोबियाज होते हैं उसको ठीक करने के लिए भी पास्ट लाइफ में जब ले जाते हैं तो पता चलता है, और उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं जो साइकोलॉजिकली कैरिड फॉरवर्ड होती है। तो इसलिए वैज्ञानिक सबूत भी आज ये बताता है। बहुत अच्छी बात एक जानने को मिली, एक नई रिसर्च जिसको कहा जाता कि अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही है। आप लोग ने भी सुना होगा डॉक्टर रेमन मुडी का नाम, डॉक्टर रेमन मुडी जो लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। उसकी टीम में एक भारतीय डॉक्टर भी है, और वो भारतीय डॉक्टर बी के है, और उनके टीम में ये डॉक्टर्स इसीलिए अलग अलग
भाषाओं वाले उसने रखे हैं ताकि जब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और कई बार वो उस भाषा में बोलने लगते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है। तो जब भी वो बहन यहाँ पर आती है, जो डॉक्टर है वो आती है तो उनका लेटेस्ट रिसर्च बताती है। तो जब पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत वंडरफुल बात सुनाई। तो कहा कि जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए, अधिकतर जितने लोगों को ले गए वो लोग, तो उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा और वो सवाल था कि जब आप शरीर छोड़ते हैं उसके बाद कहां जाते हैं? सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज है और उसके पास जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करते हैं कि आपको ये घर में जन्म लेना है, ये घर में जन्म लेना है, कहां जाते हैं? तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेजॉरिटी ने यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहां एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते हैं, शायद वही भगवान था। का कैसे पता चला आपको कि वही भगवान था? तो कहा क्योंकि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फव्वारे में नहा रहे थे। इतना प्यार भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए वही भगवान था। बहुत डिवाइन लाइट थी, बहुत पावरफुल लाइट थी। क्या उसके बाद क्या उसने फाइनलाइज किया कि आपको कहां जाके जन्म लेना? का नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है। का जब हम उस फवारे में नहा रहे होते हैं, प्यार ही प्यार जैसे बरसा रहे हैं भगवान, तो उस प्यार में जैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है, हम बहुत क्लीन हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध जब हो जाते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, उसके बाद हमारे सामने हमारी जीवन यात्रा की एक फिल्म की तरह पूरी जीवन यात्रा हमारे सामने से गुजरती है। और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण, क्योंकि परमात्मा प्यार में जैसे हम इतने शुद्ध हो गए, तो जब वो फिल्म चलती है हमारे जीवन यात्रा की, तो एक एक कर्म को देख करके हमें लगता है ये कर्म मैंने किया, इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों को मैंने चीट किया, उतने लोगों के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया। तो एक एक कर्म मेरे सामने जब आता है तो हमें अपने ही कर्मों को देख करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कहा उसके बाद क्या भगवान सजा देता है? कहा नहीं, भगवान सजा नहीं देता, भगवान प्यार ही देता है। तो उसके बाद क्या होता है? तो कहा उसके बाद हमें यह फील होता है कि जो बुरे कर्म मैंने किए, जिसके साथ मैंने बुरे कर्म किए, चीट किया या किसी को भी धोखा दिया या जो भी मैंने बुरा व्यवहार किया, उन सब के साथ का हिसाब किताब मुझे चुकतू कर देना है। और इसलिए हम वहां से वापस आते हैं और वापस आने पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कहां जन्म लेना चाहिए, ताकि उन आत्माओं के साथ मैं जल्दी से जल्दी हिसाब चुकतू कर दूं। तो हम डिसाइड करते किस घर में हमें जन्म लेना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कर्म का फल हम कैसे चुकाएंगे, इसके लिए होनी को फाइनल करते हैं, डेस्टिनी को फाइनल करते हैं कि ये डेस्टिनी होगी और ये कर्म का हिसाब हम ऐसे चुकतू करेंगे। तो सारी जो डेस्टिन्ड बातें हैं उसको हम फाइनलाइज करते हैं। इसलिए कहावत है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो होनी हमने ही फाइनलाइज की होती है। उसके बाद उन्होंने कहा, बहुत सटल बातें उन्होंने सुनाई
और कहा उसके बाद जब होनी फाइनल हो जाती है, सारी होनियों को फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा, तो जन्म की तारीख को फाइनलाइज करते हैं। और उसके बाद ये भी हम फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाब चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए। तो आयुष्य को फाइनलाइज करते कि भाई 5 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 50 साल चाहिए या 100 साल चाहिए, कितना साल मुझे चाहिए ये हिसाबों को चुकतू करने के लिए, तो आयुष्य को फाइनलाइज करते हैं। और आयुष्य को फाइनलाइज करने के बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए कौन सा कारण बनेगा, कौन सी होनी बनेगी, उस मृत्यु का कारण भी हम फाइनलाइज करके फिर उस दिन को भी फाइनलाइज करके हम जन्म लेते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। क्यों ऊपर से बन के आती है? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए, ये हम ही फाइनलाइज करते हैं। कहा उसके बाद क्या आपको याद रहता है? तो कहा 2 साल तक हमको बहुत अच्छे से याद आता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं। और उसके बाद जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम उसी समय उनको जिस जिसको दुख दिया होता है उनके सामने मुस्कुरा करके उनको सुख देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, हमारा मोह क्रिएट होता है परिवार के सदस्यों के साथ, वाचा खुलने के बाद विस्मृति हो जाती है कि हम किस लिए आए। और इसलिए जब होनी होनी होती है, वो होनी को भूल जाते हैं कि ये हमने ही फाइनलाइज किया है, तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान नहीं करता है, हमने खुद ने फाइनलाइज किया है। इतना गुह्य राज स्पष्ट हुआ है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। शायद उसका यूट्यूब के ऊपर है, आप जा करके देख सकते हैं जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके बारे में। बहुत सुंदर उस डॉक्टर ने जो वर्णन किया और उसके साथ जो स्लाइड्स थी, जो प्रेजेंटेशन दिया गया, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर भी वो सारा क्लास इनका रिकॉर्ड है, वो सीडी आपको मिलती है, मृत्यु के बाद क्या है, आप सुन सकते हैं उनकी ही आवाज में कि मृत्यु के बाद कैसे हम हर चीज फाइनलाइज करते हैं। और ये फाइनलाइज भगवान नहीं करता, इसलिए कहा भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है, वो सिर्फ प्यार ही प्यार देता है, और प्यार देते हुए हमें इतना शुद्ध कर देता है जो हमें खुद रियलाइजेशन हो अपने कर्मों के बारे में, और हम जाकर के अपने कर्मों का फल फाइनलाइज खुद करते हैं। कितनी गुही बात है ये, इतनी सटल और इतनी गहरी बात है, डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्म इसीलिए कहा गया है। तो अब हमारे जन्म कितने? अगर 84 लाख जन्म हो और 5000 साल का चक्र हो तो आयुष्य कितना होगा? 5000 साल में 84 लाख जन्म लेने हो तो आयुष्य कितना होगा? हिसाब बैठता ही नहीं है। तो शास्त्रों के अंदर कहा गया है लक्ष्य 84। लक्ष्य के 2 अर्थ है, एक अर्थ लक्ष्य माना लाख और दूसरा लक्ष्य माना ध्यान, ध्यान देना कहते हैं, लक्ष्य लक्ष्य से लक्ष्य में रखते हुए काम करना, ध्यान में रखते हुए काम करना। यानी हर जन्म जो हम जन्म में जो कर्म फाइनलाइज करते हैं उसको ध्यान में रख करके करना। और इसीलिए सिर्फ 84 जन्म अगर कहे
लक्ष्य 84, सिर्फ 84 जन्म। अगर सिर्फ 84 जन्म कहे तो हिसाब देना पड़े कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, जो हिसाब आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए भगवान आकर के उस हिसाब को हमें स्पष्ट करता है कि हमारे कितने जन्म, 84 जन्म मैक्सिमम, मिनिमम वन जन्म, लेकिन वो जन्म भी हम कैसे चारों युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में प्राप्त करते हैं। तो आज अगर देखा जाए कि एवरेज लाइफ स्पैन मनुष्य का कितना है, क्या कहेंगे एवरेज लाइफ स्पैन? हाँ, 60 to 70, राइट, 60 to 70। अच्छा, हमारे जो पूर्वज हो गए उनके एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी? हाँ, 80-90 तक, राइट। उनके जो पूर्वज थे उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी? हाँ, 90-100 के आसपास जीते थे। अच्छा, उनके जो पूर्वज त्रेता युग में कहो, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है? 100 साल से ऊपर। और उनके पूर्वज सतयुग के अंदर, उनकी लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है? फुल लाइफ स्पैन होगी, 150 साल के आसपास, है ना? अगर एक ही सवाल में आप सबसे पूछूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य कम क्यों होती गई? हमारे पूर्वज अगर 80-90-100 तक जीते थे, उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उनकी आयुष्य ज्यादा थी। और आज इतनी मेडिकल फैसिलिटी के बाद भी आयुष्य कम क्यों हो रही है? क्या जवाब है आपके पास? हाँ, स्ट्रेस। और क्या पहले के लोगों को स्ट्रेस नहीं होता था? नहीं होता था। अच्छा, तो स्ट्रेस एक कारण है। और एक्सीडेंट्स बहुत हो गए इसलिए। और हाँ, अच्छा, अगर मैं आपको जवाब दूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य क्यों कम हो गए, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है। आत्मा की जो पोटेंशियल है उसमें वीकनेस आ गई है। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा और अनुभव किया होगा, क्योंकि आप तो रोज पेशेंट से मिलते हैं। आप पेशेंट्स को जब ऑपरेट करते हैं और उनको ऑपरेशन के बाद जो दुख दर्द होता है, तो दर्द के बाद क्या कहते हैं? कई बार आपने सुना होगा, अरे इसे तो मर जाते थे तो अच्छा होता था, है ना? बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दर्द है, उस पीड़ा को सहने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन हमारे पूर्वजों में इतनी शक्ति थी कि उनको मरने का ख्याल नहीं आता था। आज की दुनिया में जरा थोड़ी तकलीफ आई, कोई भोगना भोगनी पड़ी कि तुरंत ये विचार आता है इससे तो मर जाएंगे तो अच्छा होगा। मर जाने का विचार पहले आता है, माना इतनी भी आत्मा में सहन शक्ति नहीं है, इतनी भी आत्मा में वो पावर नहीं है कि उस दुख दर्द को झेल सके, इतनी पावर नहीं है। पावर ही खत्म हो गई, आत्मा की शक्ति इतनी नील के बराबर हो गई, तभी तो स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या चीज है? जब आत्म शक्ति क्षीण हो जाती है तो हर छोटी बात मन को इरिटेट करती है या मन के अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करती है, स्वाभाविक है। पहले के लोगों में इतनी सहन शक्ति थी कि छोटी छोटी बातों को वो निग्लेक्ट
करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में जरा कुछ होता है कि तुरंत मनुष्य को मरने का विचार पहले आता है। ये बताता है कि आत्मशक्ति कितनी क्षीण हो गई है। इसलिए आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, आत्मशक्ति क्षीण हो गई है। तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। आप लोग पूरी ट्रीटमेंट देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है? क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण है, इसलिए उसके रिस्पॉन्ड करने की ताकत ही नहीं है। तो क्या करेगा? इतनी भी ताकत नहीं है जो कर्मेंद्रिय को वो चला सके, या उसको जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको रिस्पॉन्स दे सके। नहीं है, ताकत नहीं है। पहले के जमाने में भले मेडिकल टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट इतनी न होने के बाद भी आत्मा की ताकत या जीने की इच्छा इतनी प्रबल होती थी कि बड़े से बड़े चोट को भी वो जैसे उसमें से बाहर निकल आते थे, बाहर निकल आते। और आज भी आप ये मैजिक देखते हैं, ये मिरेकल्स देखते हैं कि जिन आत्माओं के अंदर शक्ति होती है, जीने की इच्छा होती है, उनके साथ कितने भी बड़े से बड़े हादसे होने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और आप उनको बाहर ले आते हैं, उस स्टेज से बाहर ले आते हैं, क्योंकि आत्मा में शक्ति जहां है वहां बाहर आ जाते हैं। तो उसको कहते हैं मिरेकल हो गया। मिरेकल जैसी बात नहीं, लेकिन आत्मा की प्रबल इच्छा की बात है, यह शक्ति की बात है। तो इसीलिए जो सतयुग और त्रेता युग के देवी देवता थे उनकी आयुष्य बहुत लंबी थी, 125-150 साल की आयुष्य थी, क्योंकि आत्मा इतनी संपूर्ण थी, पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। इसीलिए और आज हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करते हुए इतना जैसे जकड़ा हुआ है, और इसलिए उसके कर्म ऐसे हैं, तो जन्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी उतना ही होता है। इसलिए तो सतयुग को अगर देखा जाए, सतयुग के अंदर सूर्य वंश जिसको कहा, जहां पवित्र आत्माएं परम धाम से जब नीचे उतरती है तो कोई ना कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण कर लेती है, देव या देवता का स्वरूप। जहां सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, जहां मनुष्य के कर्म अकर्म होते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। पूरी आयुष्य भोग करके स्वइच्छा से शरीर छोड़ती थी, और पूरी आयुष्य भोगने के कारण स्वास्तिका में हमने देखा 5000 साल का चक्र हो तो हर युग एक समान है, यानी 1250 साल का हर युग है। और 1250 साल के हर युग के अंदर जहां आत्मा सोले कला संपूर्ण, इतनी शक्तिशाली, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न होती है और उसके कर्म इतने पावरफुल होते हैं, तो देवताओं को कहा गया अमर। अमर का मतलब ये नहीं कि मरते ही नहीं थे। जिसने भी संसार में जन्म लिया उसको शरीर छोड़ना निश्चित है, कायदा है। फिर देवताओं को अमर क्यों कहा गया? हर देवता का भी शरीर छूटा है, हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण का भी शरीर छूटा पार्वती के बांध से, तो श्री राम ने भी अपना शरीर छोड़ा, शास्त्रों में ये वर्णन है। तो हर देवी देवता ने भी शरीर छोड़ा है, तो जब शरीर छोड़ा तो फिर उसको अमर क्यों कहा गया? क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं थी, पूरी आयुष्य भोग करके स्वइच्छा से कि अब मैंने बहुत साल इस चोले में बिता दिया, अब ये चोला बहुत पुराना हो गया, अब मैं नया चोला धारण करना चाहता हूं, तो स्वइच्छा के साथ सारे परिवार को इकट्ठा करते हैं। जिस तरह आज जन्मदिन मनाए जाते हैं,
और जन्मदिन मनाने के लिए सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी तरह सतयुग के अंदर मृत्यु नाम का शब्द नहीं है, चोला वस्त्र बदली करना है। और इसलिए सारे परिवार वालों को इकट्ठा करके सबसे विदाई लेते हैं कि अब मैंने बहुत साल इस चोले में बिता दिया, अब मैं नया चोला धारण करने की इच्छा रखता हूं, इसलिए जाना चाहता हूं। तो बड़े धूमधाम के साथ उसको विदाई देते खुशी से, इसीलिए वहां मृत्यु नाम की चीज नहीं है, रोना धोना नहीं है, लेकिन खुशी से विदाई देते, इसलिए उसको कहा अमर हो गए। उसके कर्म इतने अच्छे यादगार बन करके पीछे छूट गए तो अमर हो गए। तो जहां मृत्यु भी एक महोत्सव होता है, यहां जन्मोत्सव होता है, वहां मृत्यु भी एक महोत्सव है। आज की दुनिया में लोगों को मृत्यु नाम से डर लगता है। क्यों डर लगता है? मृत्यु के नाम से डर लगता है, भयभीत होते हैं। क्यों? और जीना क्यों चाहते हैं? भाई दुख दर्द है, नया चोला धारण करो। क्यों नहीं धारण करना चाहते? मृत्यु से डर लगता है। क्यों? मोह माया के कारण। मोह माया की बात नहीं है, मनुष्य जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए पता नहीं अगर शरीर छूटा तो कहां जाके जन्म लेना पड़े, तो इसलिए वो मरना नहीं चाहता। कहते इससे तो अच्छा है कि भले यहां पीड़ा सहन कर लूंगा लेकिन यही रहूं मैं। डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने बुरे कर्म किए हैं जो मुझे अच्छे घर में जन्म मिलने की अपेक्षा तो है ही नहीं, इसलिए पता नहीं किस गति को मैं प्राप्त करूंगा और वहां ये सुख सुविधा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए कहते मैं मरना नहीं चाहता। तो मृत्यु का डर कर्मों के कारण है, मृत्यु का भय कर्मों के कारण है। सतयुग में किसी को मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु नाम का शब्द नहीं है, क्योंकि हर एक के कर्म इतने श्रेष्ठ महान है तो डरने की बात ही नहीं है, इसीलिए अमर हो गए। हर कर्म अमर हो गया, यादगार हो गया, जो आज भी देवी देवताओं के हम गाथा भागवत के रूप में सुनते हैं, यादगार कर्म लीलाओं के रूप में हम सुनते हैं, है ना। और इसीलिए सतयुग में राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, लेकिन श्री नारायण का जो बचपन का स्वरूप है, कभी उसका फोटो नहीं देखा आपने, उसका बचपन का स्वरूप कौन सा है? तो एक भजन याद आता है मुझे, आपने भी कई बार ये भजन गाया होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी उसमें बताई गई है एक ही लाइन में। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तब उसको गोविंद कहा, जब रासलीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण, वही वासुदेव है। ये वासुदेव की अलग अलग स्टेजेस है। तो अगर नाथ नारायण सतयुग में है, सत्य नारायण सूर्य नारायण सतयुग में, तो श्री कृष्ण कहां होना चाहिए? उसका बचपन तो वहीं होना चाहिए। और इसलिए सतयुग के अंदर 150 साल की जब आयुष्य है, इतने पूरी आयुष्य भोग के जब शरीर छोड़ते हैं, तो 1250 साल में सिर्फ 8 जन्म होते हैं, 8 जन्म। वो भरपूरता से जीवन जीते हैं, पूरा सुख भोग करके जीवन जीते हैं, कर्म श्रेष्ठ। इसीलिए श्री कृष्ण की जब जयंती मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी माना
आठों जन्म की जयंती मना रहे हैं. वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण इन ऑल एट बर्थ्स. जन्म अष्टमी, आठों जन्म की जयंतियां मना रहे हैं, इसलिए बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उसका आठों जन्म इतना श्रेष्ठ था. सतयुग के हर जन्म इतना महान था, तो आठों जन्म की जयंतियां मनाते हैं, जन्म अष्टमी. और जैसे ही सतयुग पूरा हुआ और दूसरा युग आया जिसको कहा गया त्रेता युग, चंद्रवंश, जहां पर सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर श्री राम का राज्य है, श्री रामचंद्र जिसको कहा, दो कला कम हो गई. 16 कला संपूर्ण थे. 16 कला कोई गिनती की नहीं होती है, परफेक्शन का फिगर है. कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं, 16 आनी सच है. संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा होगा तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण है. तो 16 फिगर परफेक्शन का है ना. परफेक्शन के बाद धीरे धीरे इम्परफेक्शन की ओर यात्रा बढ़ेगी लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से. और इसलिए त्रेता युग में आए तो दो कला कम हो गए, 14 कलाधारी बने. लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता न होने कारण आयुष्य थोड़ा कम हो गया. दो कला कम हुई तो थोड़ा कम हो गया, और इसलिए 125 साल के आसपास जब आयुष्य हो जाती है तो जन्म बढ़ जाते हैं, 8 जन्म से 12 जन्म हो जाते हैं. तो सतयुग के अंदर श्री कृष्ण के 8 जन्म की जयंती मनाते हैं हम, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी. और आठवें जन्म के बाद 9वें जन्म पर श्री राम का जन्म होता है, इसीलिए राम नवमी मनाई जाती है कि 9वें नंबर पर श्री राम है. तो उसकी जयंती भी इतनी महान थी, उसका जन्म भी इतना श्रेष्ठ था, तो उसके जन्म का भी हम जश्न मनाते हैं. कितना सुंदर, भक्ति के अंदर हर चीज इतनी सुव्यवस्थित है, लेकिन हमने कभी उसके भाव को समझा नहीं, इसलिए उसका आनंद नहीं ले सकते. तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी जयंती हम मनाते हैं. भले 125 साल हो गया, 150 साल से कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ कर्म उनके भी थे. लेकिन जैसे जैसे तीसरा युग आता है द्वापर, जहां सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, अकाले मृत्यु आरंभ होने लगी, और अकाल मृत्यु जब आरंभ हो जाती है तो जरूर है आत्मशक्ति क्षीण हो गई. 1250 यानी 2500 साल पूरे हो गए, आधा समय पूरा हो गया 5000 साल में, तो आधी कलाएं भी कम हो गई. तो 16 कला से द्वापर युग में सिर्फ 8 कलाधारी हो जाते, इतनी ही पोटेंशियल रह गई. और इसलिए अकाले मृत्यु होने कारण जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए द्वापर युग. और इस युग में मनुष्य भक्ति आरंभ करता है, अव्यभिचारी भक्ति होती है. पहले के जमाने के राजाओं के महलों में देखेंगे आप, अगर राजस्थान के एक एक राजाओं के महल को देखने जाएंगे ना, आपको हर जगह महल में एक मंदिर मिलेगा. हर राजाओं के महल में एक मंदिर मिलेगा, और अक्सर हर राजाओं के महल में शिव का ही मंदिर मिलेगा. शिव के पुजारी थे, क्योंकि इमीडिएट द्वापर युग में उतरते ही वो शिव की आराधना करना आरंभ करते हैं. लेकिन धीरे धीरे बाद में मनुष्य आत्माएं जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर देते हैं. और इस तरह से अव्यभिचारी भक्ति, एक ही भक्ति आरंभ होती है. संन्यास धर्म भी शुरू होते हैं, कुछ महान ऋषियों का जन्म होता है और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं. कर्म मनुष्य के पुण्य कर्म होते हैं. इसी युग में परमात्मा का पैगंबर
संदेश लेकर के आते हैं और इस तरह से द्वापर युग चलता है, मनुष्य के 21 जन्म होते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कलयुग आता है, तो कलयुग के अंदर एक या दो कला रह जाती है। इसीलिए लोग कहने में कह देते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण है, लेकिन एक तो गुण होगा, उस एक गुण को देख करके ही तो आगे बढ़ो। तो एक या दो गुण रहते हैं। इतनी कला क्षीण हो जाती है, इतनी आत्मा की ताकत क्षीण हो जाती है, और इसलिए अकाले मृत्यु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म इस युग में विकर्म ज्यादा है। विकर्म यानी पाप कर्म, विकृत कर्म, विकारों के वश कर्म, उसको कहा विकर्म। मनुष्य की आयुष्य कम होने लगती है और जन्म बढ़ जाते हैं। कोई जन्म 5 साल में शरीर छोड़ देता, कोई जन्म 80 साल तक, 90 साल तक खींच लेता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है और कलयुग के अंदर करीबन 42 जन्म होते हैं। इस तरह से अगर गिनती करें, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, मिलकर के 20, द्वापर के 21 माना 41, और कलयुग के 42 माना 83 जन्म, 83। तो 84वां जन्म जो है वो ये संधिकाल के समय, जब कलयुग और सतयुग का संधिकाल का समय आता है, तब सिर्फ एक जन्म होता है। और इस जन्म को कहा गया दुर्लभ, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसी जन्म में हमें 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है, इसी जन्म में हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में जब यह संधिकाल का समय है, तो इस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां दो युगों का संगम होता है और जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, जहां आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करती है और ईश्वर की कृपा से उसका कल्याण होता है। इसलिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसलिए भक्ति में संगम का बहुत महत्व है, गंगा सागर का संगम, क्योंकि यहां आत्मा गंगा की तरह और सागर यानी परमात्मा, तो गंगा सागर का संगम होता है। और जो संगम में स्नान करता है, कहते हैं वो प्यूरिफाइड हो जाता है, क्योंकि यही युग में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आरंभ होती है। मनुष्य उत्तम पुरुष बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने लगता है और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उसके ऊपर रहने के कारण वो उत्तम पुरुष बन करके आगे बढ़ता है। तो ये संगम की महिमा, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो जाता है कि मनुष्य नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी, ये कहावत भक्ति में ऐसी नहीं पड़ी है, ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसीलिए कहावत। तो कितने प्रकार के कर्म हमने देखे इस जर्नी में, सतयुग से लेकर के जो हमारी जर्नी अब तक ये संगम युग तक जो पहुंची है, उसमें कितने प्रकार के कर्म हैं। तो 4 प्रकार के कर्म हमने देखे। सतयुग और त्रेता युग में अकर्म होते हैं, द्वापर युग में पुण्य कर्म होते हैं, कलयुग के अंदर पाप कर्म अधिक होते हैं, और ये संगम पर श्रेष्ठ कर्म करने की विधि परमात्मा हमें सिखाते हैं। अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म ही नहीं है, लेकिन आज अगर मैं एक उदाहरण दूं कि मान लो कि मैंने धरनी में एक बीज बोया, अपने हाथों से बीज बोया, ये कर्म मैंने किया, उस बीज को मैंने सींचा, पौधा निकला,
उस पौधे को सींचती गई वृक्ष हुआ और उस वृक्ष के ऊपर फल लगा। वो फल मैंने तोड़ के खाया, ये कर्म भी मैं ही कर रही। बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्मों में कोई अंतर है? है कोई अंतर? दोनों कर्मों में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? बीज बोने का जो कर्म है उसको कहते श्रेष्ठ कर्म। क्यों? क्योंकि एक बीज जो मैंने बोया उसके मुझे 100 फल प्राप्त हुए, और वो 100 फल भी हर सीजन में, रिकरिंग, हर सीजन में मुझे मिलता है। इसीलिए वो श्रेष्ठ कर्म है कि एक बीज का 100 फल मिला। लेकिन फल तोड़ के खाया उसको कहा जाता अकर्म, कि जिस कर्म का कोई दूसरा फल नहीं मिलता, क्योंकि वो फल खाने का ही कर्म है। तो संगम युग में जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उससे सत्ययुग और त्रेता युग का फल प्राप्त होता है, और हर जन्म में इतना सुख, रिकरिंग। लेकिन वहां जो कर्म करते हैं फल खाने का कर्म है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए उसको अकर्म कहा जाता है। सत्ययुग और त्रेतायुग में फल खाने का कर्म। जैसे जैसे द्वापर युग में आए तो वो फल बहुत क्षीण हो गया। मान लो कि एक व्यक्ति है, बैंक बैलेंस जमा करता है, उसको पूछो बैंक बैलेंस क्यों जमा कर रहे हैं, तो कहते हैं रिटायर जब हो जाऊंगा तो मुझे काम आएगा, उस समय कौन कमाने जाएगा और कौन मुझे देगा। तो अपना भविष्य सोच करके वो जमा करता जाता है। अब रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद जो जमा किया हुआ उठा उठा करके खाने लगा, अब उसमें जमा नहीं हो रहा है। और खुले दिल से, क्योंकि इतना उसने जमा कर लिया तो खुले दिल से खर्च करता है, बहुत लैविशली रहने लगता है, तो जरूर खत्म तो होगा। जैसे ही खत्म होने लगा बैंक बैलेंस, और वो अपने आप को देखता है कि अभी 10 साल मेरी और आयुष्य लग रही है, लेकिन बैंक बैलेंस इतना नहीं है जो इतना लैविशली मैं 10 साल तक और यूज कर सकूं, तो क्या करेगा? थोड़ा अपना खर्चा कट ऑफ करना शुरू करेगा, या कुछ कंसल्टेंसी करके थोड़ा बहुत कुछ जमा हो जाए, या इंटरेस्ट ही जो मिला उसी से चलाना शुरू करे। ठीक इसी तरह हमने भी इतना लैविशली 2 युग तक अपने कर्म का खाता जो जमा किया हुआ था यूज किया। सत्ययुग और त्रेतायुग में बहुत अच्छे से जिए, लेकिन जब द्वापर युग आया तो देखा कि अभी और 2500 साल चलाना है और इतना बैंक बैलेंस है नहीं, तो हमने भी क्या किया, खर्चे थोड़े कम कर दिए। यानी कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना शुरू किया, पुण्य कर्म। और वो पुण्य कर्म कैसे किया? दान करके। सोचा दान करो पुण्य तो जमा कर लो, दान करो पुण्य तो जमा कर लो, और इस तरह से दान करके पुण्य जमा करना शुरू किया। और पुण्य जमा करते हुए द्वापर युग तो पूरा खींच लिया हम। अब कलयुग आया, बैंक बैलेंस नील हो गया। जब बैंक बैलेंस नील हो जाता तो और भी 2-4 साल बाकी हो तो क्या करेंगे? उधारी खाता चालू करेंगे, कहीं से ले लिया, बच्चों से ले लिया, इससे कि भाई अभी 2-4 साल जो जीना है वो पूरा कर लेता। तो इसी तरह कलयुग में हमारा भी उधारी खाता चालू हो गया, क्योंकि जाने अनजाने पन में भी पाप कर्म बहुत होने लगे। जाने अनजाने पन में पाप कर्म, पुण्य कर्म जहां तक था वहां तक तो ठीक था, लेकिन जाने अनजाने पन में पाप कर्म बहुत हो गए। अब जान के तो मुझे पता है कि मैंने किसी को दुख दिया, ये पाप कर्म के खाते में जमा हुआ, उधारी खाता हो गया। मैंने किसी को तकलीफ दी, पाप कर्म में हो गए, ये तो मुझे मालूम है जान करके जो हुआ। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हुए?
तो अनजानेपन के पाप कर्म है कि मान लो कि एक भिखारी है, उसकी दशा को देखते हुए मुझे दया आ गई और मैंने 50 रुपए की नोट निकाल करके उसको दे दिया। मैंने सोचा मेरा तो पुण्य कर्म हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इज गोइंग टू यूज दैट मनी। उस 50 रुपए से उसने चाकू खरीदा और किसी का खून किया, तो उसने जो कर्म किया मैंने दिया तब किया, इसीलिए उस कर्म के भागीदारी में मेरा कर्म हो गया। ऐसे पार्टनरशिप में हमारे जो कर्म हुए वो है अनजानेपन के पाप कर्म। तो कई लोग पूछते क्या दान नहीं करना चाहिए। कलयुग के लिए यही कहा गया है शास्त्रों में भी कि पात्र देख करके दान करना चाहिए। कुपात्र को दान न करो जो हमारा आगे का खाता भी नुकसान में चला जाए। पात्र देख करके दान करो। तो कहेंगे कई लोग के पात्र कैसे देखे, अरे आप किसी को एजुकेशन दो, पढ़ाओ लिखाओ। कई तरह से दान तो कई तरह से हो सकता है, कोई एक तरह से नहीं होता है कि बस भिखारी है उसको दे दिया तो ही हमारा दान गिनती होगा, बाकी नहीं गिनती होगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा पात्र देख करके दान करो। किस तरह का दान करना है ये सोच समझ के करो। ऐसा ना हो कि चलो हमारे पाप कर्म का खाता तो है ही है, लेकिन दूसरे के साथ में पार्टनरशिप बनाना पाप कर्म में, वो कहां की समझदारी है। इसलिए ऐसी पार्टनरशिप में नहीं जाओ, क्योंकि जब चुकतू करना होगा ना तब भी साथ में मिलके चुकतू करना होगा। आज भिखारी को तो दान दिया, उसने चाकू खरीदा, किसी का खून किया, अब चुकाने का समय आता है, तभी भी साथ में ही चुकाना पड़ता है। कैसे चुकाते हैं कि दूसरे जन्म में, जैसे ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, आजकल के दुनिया में अप डाउन करने वाले बहुत होते हैं ट्रेन में भी, और आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत फुल है ट्रेन, जा रहे हैं लेकिन खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। उसमें एक व्यक्ति ने आपको देखा, उसको आपके प्रति भाव जागृत हुआ और थोड़ा खिसक कर उसने आपको कहा बैठो आप, आपको लगता है कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसने आपको ही बैठने के लिए क्यों कहा, कुछ तो पार्टनरशिप है। इसीलिए आपको ही कहा, नहीं तो दूसरे भी 10 लोग खड़े थे और किसी को नहीं कहा, आपको क्यों कहा। अब बिठाया तो सही, अब अप डाउन करने वाले जब चलते हैं तो वो पिछले दिनों में कुछ हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ, उसको ढूंढते हुए कुछ लोग आए और आकर के गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और आपको लगता है ये व्यक्ति इतना अच्छा कुछ बोल भी नहीं रहा है और ये लोग इतना असभ्य व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा गाली गलौज क्यों कर। आप बीच में बोलने जाते हैं, अब बीच में बोलने गए, उनको लगता है आप भी उनके साथ हैं, उनको तो मारते आपको भी 2-4 थप्पड़ मार देते। अब आप कहते मैं तो इनोसेंट था, मुझे क्यों मारा। इनोसेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप थी, इसीलिए मार खानी पड़ी, दूसरे किसी को तो मार नहीं खानी पड़ी। अब पार्टनरशिप खाली 2 व्यक्ति में नहीं होती है, कर्मों की पार्टनरशिप कई बार 50-100 लोगों के बीच में भी हो जाती है। कैसे, आज मान लो एक कसाई है, कसाई ने किसी जानवर को मारा, उसने उस मांस को बेचा दुकान वाले को, दुकान वाला भागीदार हो गया, दुकान वाले से होटल वाले ने खरीदा, होटल वाला भागीदारी में जुड़ गया, होटल वाले ने बाबरची को दिया, बाबरची ने पकाया, वो भी उस भागीदारी में जुड़ गया, उस होटल में पार्टी है, पार्टी में 50 लोग आए हैं और 50 लोगों ने खाया, वो सारे उस भागीदारी में जुड़ गए हैं। अब चुकाने का समय जब आता है ना, तो जब सबका योग इकट्ठा होता है, समय का संजोग, तब चुकाना पड़ता है। कि कई बार आप देखते हैं कि कई लोग यात्रा पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अब बस में चढ़े,
सभी जो भी उस बस में बैठे हैं सभी का संजोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से। और जैसे ही पहाड़ी पर बस जा रही है और अचानक एक जानवर दौड़ता हुआ आया, वही जानवर दौड़ता हुआ आया या वो जानवर दौड़ते हुए आए, आप जो ड्राइवर था कसाई था पिछले जन्म में, बचाने गया, इस बार बचाने गया और उसका संतुलन बिगड़ा और वही जानवर निमित्त बना और उस कसाई निमित्त बना के सबके साथ वो खाई में गिरी बस और सबको चोट लगी। अब आप कहेंगे बैठने वाले पैसेंजर्स तो सारे इनोसेंट लोग थे, इनोसेंट लोगों को चोट लगी ड्राइवर की गलती के कारण, अरे क्यों बचाने गया? एक भी इनोसेंट नहीं था, पहली बात, एक भी इनोसेंट नहीं था। जो इनोसेंट था वो अगले स्टेशन पर उतर गया, जो इनोसेंट था उसकी बस मिस हो गई, है ना, वो इनोसेंट थे। और उसके बावजूद भी अगर कोई बैठा था जो इनोसेंट था, इतनी खाई में गिरने के बाद भी उसको एक खरोच तक नहीं आती है, वो इनोसेंट था। अब जिसको जहां जहां लगती है, किसी को यहां लगी, किसी को यहां लगी, किसी को यहां लगी, किसी को कहां लगी, जिस जिसने जो हिस्सा खाया था वही लगती है उसको। यह है कर्म की गुह्य गति, यह है कर्म की गुह्य गति, है ना। और ज्यादा हिसाब होगा तो ट्रेन डीरेल हो जाती है, और ट्रेन डीरेल हो जाती है सबको लगती है चोटें, किस तरह से लगी मालूम, इनोसेंट लोग, अरे कोई भी इनोसेंट नहीं था। और ज्यादा होगा 100-200 लोग फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट क्रैश हो जाता है। जैसा जैसा कर्म का हिसाब, इसीलिए का जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म की गति अति गुह्य है। तो जाने अनजाने पन के किए गए पाप कर्म भोगना ही पड़ता है, उससे कोई छूट नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा इस समय आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म की विधि बताता है कि श्रेष्ठ कर्म कैसे करना चाहिए। तो जैसे एक किसान होता है, किसान जब खेती के अंदर बीज बोता है ना, तो धरनी की क्वालिटी को देखता है कि इस धरनी में कौन सा बीज उगेगा, तो धरनी की क्वालिटी देखता है, हवा की क्वालिटी देखता है, गर्मी है ठंडी है क्या है, पानी की क्वालिटी देखता है, सब क्वालिटी देखने के बाद वो बीज बोता है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हमें श्रेष्ठ कर्म के बीज कैसे बोने हैं ये सिखाते, क्योंकि कर्म भी एक बीज है और वो कर्म का बीज हमें भोगना ही पड़ता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि तुरंत ही दूसरे जन्म में भोगना पड़े, नहीं। जैसे मिर्ची का बीज डालो 3 महीने में फल निकलेगा, अनाज का बीज डालो 6 महीने में फल निकलेगा, फल का बीज डालो 1 साल के बाद या 2 साल 3 साल के बाद फल मिलेगा, और नारियल का बीज डालो तो 10 साल के बाद फल मिलता है। बीज की जैसी पोटेंशियल होती है, ठीक इसी तरह कर्म भी एक बीज है, और जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होगा, लेकिन जितनी इंटेंसिटी से किया गया है उस अनुसार फल भी मिलेगा। अगर बहुत इंटेंसली किया गया है तो तुरंत दूसरे जन्म में भी मिल जाएगा या इसी जन्म में भी मिल जाएगा, महसूस होगा फलाने कर्म का ये फल मिला इमीडिएट। कुछ कर्म के फल दूसरे जन्म में मिलते हैं, कुछ कर्म के फल 2, 4, 5, 10 जन्म के बाद भी मिलते, और कुछ कर्म के फल 25-30 जन्म के बाद भी मिलता है। इसलिए मनुष्य जब दुखी होता है तो क्या कहते, कौन से जन्म का कर्म था जो आज ये फल भोग रहा हूं, कौन से जन्म का, कोई भी जन्म का हो सकता है, यू नेवर नो।
लेकिन एक बात जरूर है, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा, जितना देरी से मिलेगा ना तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। बैंक में जितना साल रखेंगे, एफडी रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट वैसा ही मिलेगा, सेविंग्स में होगा तो वैसा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मनुष्य को भी जितना जल्दी फल मिल जाए उतना कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा, भोगना कम होगी, लेकिन जितना देर के बाद मिलता है उतना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर के जब मिलता है तो भोगना भी बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए उसको कहते संचित कर्म, जो संचित हो गए लेकिन उसके साथ एक्यूमुलेटेड विथ इंटरेस्ट। तो संचित कर्म जब फल भोगने का समय आता है तो बहुत दर्द होता है, ज्यादा तकलीफें होती है, इसलिए जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करने की विधि क्या है, तो उसके लिए धरनी चेक करना है। कौन सी धरनी है? तो श्रेष्ठ चरित्रवान जीवन रूपी धरनी। उसके बाद अच्छे कर्म का बीज, फिर संयम और नियम की खाद डालना है, फिर वायु कैसा होना चाहिए, तो अच्छे संस्कारों का वातावरण का, घर का माहौल का वायु अच्छा हो, जहां हमारे अच्छे संस्कारों में हम पले या अपने बच्चों को पाले, वो वायु का काम करता है। उसके बाद ज्ञान सूर्य की शक्ति की धूप भी अच्छी देनी चाहिए, तो जितना परमात्मा को याद करेंगे उसकी सकाश एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो उतनी धूप होगी, धूप का कार्य करता है। फिर उसको नित्य ज्ञान अमृत से सींचना है, रेगुलर अच्छे विचारों का नरिशमेंट उसको देते हुए सींचना है। और जब सींचते हैं तो जरूर फल जब पक जाता है तो चिड़िया आती है उसको खराब करने के लिए, या कीड़ा ना लग जाए इसका ध्यान रखना है। तो कौन सी चिड़िया खराब करने आती है? संग का रंग। या अगर मनुष्य को अपने कर्म, अच्छे कर्म का भी घमंड आ गया तो ये कीड़ा लग गया, वो फल भी स्वीकार नहीं होगा। तो अच्छे कर्म के प्रति घमंड न हो, नहीं तो ये कीड़े वाला फल भी स्वीकार नहीं होगा। निर्माणता जितनी होंगी उतना मधुर मीठा होगा वो फल। और संग के रंग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये संग का रंग यही चिड़िया है जो खराब करती है, वो भी स्वीकार नहीं होता है। अच्छे घर के बच्चे अच्छी परवरिश प्राप्त करने के बाद भी बुरी संगत में जब लग जाते हैं तो देखते हैं कैसे समाज में कोई उसको स्वीकार नहीं करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फल स्वीकार करने योग्य नहीं है। और जहां उस संग के रंग से भी बचाते हैं, घमंड से भी बचाते हैं, तब जाकर के जीवन के अंदर प्रसन्नता संतुष्टता उस फल के स्वीकार करने के बाद मिलती है। तो इसीलिए ये है श्रेष्ठ कर्म करने की विधि। अगर इन बातों की जागृति हो, अवेयरनेस हो और हम कर्म करते जाए तो हमेशा संतुष्टता और प्रसन्नता जीवन में सदा बनी रहेगी, उसके जैसा कोई फल नहीं है। इसीलिए परमात्मा नित्य हमें यह ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के हमें यही बताते हैं कि कैसे जीवन के अंदर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन यहां एक प्रश्न जरूर आता है, थोड़ा टाइम में एक्स्ट्रा लूंगी आपका, कि ये प्रश्न जरूर मन में आता है कि बहन जी आज की दुनिया में कई लोग बुरे कर्म करने वाले हैं लेकिन मौज कर रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले भोग रहे हैं, ऐसा क्यों? बुरे कर्म करने वाले मौज कर रहे हैं और अच्छे कर्म करने वाले दुख भोग रहे हैं, तो क्या भगवान के घर में भी अंधेर है? अंधेर की बात नहीं है। बहुत सुंदर एक उदाहरण याद आता है मुझे।
कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, जा रहे थे अपने अपनी तरह से। अचानक रास्ते में किसी का पर्स गिरा हुआ था। अब दोनों व्यक्ति ने देखा वो पर्स, एक व्यक्ति जो था बड़ा ईमानदार था, दूसरा व्यक्ति बड़ा बेईमान था। जो बेईमान था उसने पर्स उठा लिया, देखा उसमें 1000 रुपया पड़ा है, बड़ा खुश हो गया, आज तो बिना मेहनत के ही 1000 रुपया मिल गए। लेकिन उसको लगा इस व्यक्ति ने भी देखा है, मिल बांट लेना चाहिए। तो उसने कहा देख भाई इसमें 1000 रुपया है, 500 तू रख ले, 500 मैं रख लेता। दूसरा तो ईमानदार था, उसने कहा देख भाई ये पर्स जिसका भी गिरा होगा बड़ा दुखी हो रहा होगा, हो सकता है उसकी कमाई वो हुई हो आज और 1000 रुपया ले जाओ गिर गया, उसका एड्रेस अगर है दे के आएंगे तो कितनी दुआएं देगा। तो उसने कहा देख भाई इसमें एड्रेस तो है नहीं तो हम किसको देंगे, इसलिए रख लेना ही चाहिए। तो उसने कहा मुझे तो नहीं चाहिए। फिर उसने कहा ईमानदार ने कि चलो पुलिस में दे के आते हैं, वो ढूंढता हुआ कंप्लेन लिखाया होगा तो उसको मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। तो बेईमान कहता है देख भाई इतना मैं समझता हूं कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद पहले यहां कोई गया ही नहीं, हम ही पहले नंबर हैं और हमें ही मिला है, इसलिए उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं। ईमानदार ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए। उसने कहा पुलिस में तो देके आ सकते। कहा अरे भाई उसके नसीब में ही नहीं है तो पुलिस वाले आपस में मिल बांट के खा लेंगे, उसे तो मैं ही ना रख लूं, ऐसी समझदारी मैं दिखाने वाला नहीं, ठीक है रख लो। दोनों बातें करते हुए जैसे आगे निकले, बातें करते करते चलते जा रहे थे तो अचानक जो ईमानदार था उसको बहुत जोर से कांटा लगा और इतना जोर से अंदर घुस गया कि पूरा खून खून निकलने लगा। तो बेईमान उसको कहता है बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना तभी ये कांटे लगते हैं, बेईमानी से जियो पर्स मिलेगा, ईमानदारी में तो कांटे ही मिलते हैं। अब ऊपर से उसी वक्त कुछ देवताएं भ्रमण करते हुए जा रहे थे, देवताओं ने जब ये बात सुनी तो सब मिलकर के भगवान के पास गए और कहा भगवान लगता है चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है। कहा क्या बात है? तो कहा कि नहीं अभी हम ये दृश्य देख के आए कि नीचे ये दोनों व्यक्ति जो है इसमें एक है बड़ा ईमानदार एक है बड़ा बेईमान, बेईमान को तो पर्स मिल गया ईमानदार को कांटे लग रहे हैं, ये कहां का न्याय है, जरूर चित्रगुप्त ने गड़बड़ की है। भगवान ने कहा चित्रगुप्त कभी गड़बड़ तो कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चित्रगुप्त को बुला लेता हूं। चित्रगुप्त को बुलाया और कहा है, दोनों का अकाउंट लेकर के आओ। दोनों का अकाउंट मंगाया तो देखा कि जो ईमानदार था पहले बड़ा बेईमान था और जो बेईमान था पहले बड़ा ईमानदार था, और उसने जीवन इतना ईमानदारी से गुजारा था कि उसके फल स्वरूप उसको बहुत बड़ी एक लॉटरी लगने वाली थी, करोड़ों रुपया की लॉटरी लगने वाली थी। लेकिन लॉटरी लगने से पहले एक परीक्षा ली गई और उस वक्त व्यक्ति की धैर्यता खत्म हो गई और वो धीरे हो गया एकदम कि भाई ईमानदारी से जीने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, और उस अधैर्यता में आकर उसने पूरा रास्ता बदल दिया, बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा। तो वो जो फल था क्षीण होते 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 सिर्फ 1000 रुपया बचा था। तो 1000 रुपया उसकी बेईमानी का फल नहीं है, उसकी ईमानदारी का खाते का उतना ही बचा था, लेकिन उसके भाग्य में क्या था जो ठुकरा दिया उसने अधीर्यता के कारण।
उस लॉटरी को ठुकरा दिया, लेकिन वो ज्ञान नहीं। और जो ईमानदार था पहले बड़ा बेईमान था, और उस बेईमानी के फल स्वरूप उसको इतनी कड़ी भोगना भोगनी थी, ऐसी बीमारी होने वाली थी कि जिसकी भोगना में वो तड़प तड़प करके उस दिन को गुजारता था। लेकिन उस भोगना से पहले उसको भी सुधरने का एक लास्ट चांस दिया गया, और उस अपॉर्चुनिटी को उसने झड़प लिया, और वहां से उसने अपना रास्ता बदल दिया, ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा। वो सारी भोगना कर्मों के द्वारा ही काटते हुए लास्ट में बस एक कांटे चुभने जितना ही दर्द रह गया था। तो ये ईमानदारी का फल नहीं था, बेईमानी के खाते का इतना ही बचा हुआ था। अभी ईमानदारी का फल तो बाकी है, और बेईमानी का फल जो उसने किया है वो तो बाकी है। तो इसीलिए ये मत समझना कि बेईमान मौज कर रहा है, ईमानदार दुखी हो रहा है, नहीं, क्योंकि उनके पूर्व कर्म के अकाउंट्स। इसलिए चित्रगुप्त कभी भी देखा जाए तो बहुत एक्यूरेट हिसाब किताब रखता है। कई लोग हमसे पूछते हैं, इतने करोड़ों मनुष्य है दुनिया के अंदर, चित्रगुप्त कैसे मेंटेन करता होगा करोड़ों मनुष्य का हिसाब किताब? उसके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो हरेक का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट मेंटेन करता है? चित्रगुप्त नाम में ही वो समाया हुआ है, चित्रगुप्त, गुप्त चित्र। चित्रगुप्त ने क्या किया है? अपने अकाउंट एक्यूरेट मेंटेन करने के लिए अंदर में एक ऐसा कैमरा फिट कर दिया है जो हर कर्म का, हर भावना का चित्र निकालता जाता है। जो कहा ना, लास्ट में हमारे सामने हमारे जीवन की पूरी फिल्म की रील की तरह आ जाती है, तो गुप्त कैमरा जो चित्र खींचता जाता है, कंटिन्यू स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि भगवान जानते थे कलयुगी मनुष्य है ना, कर्म करने के बाद भी इनकार करने में देरी, बड़ी सफाई से इनकार कर सकेंगे कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं है ना, इसलिए उनका स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कैमरा फिट किया हुआ है कि जो हर पल हमारे हर कर्म का चित्र खींचता जाता है, इसलिए जब सामने आता है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कर्म मैंने नहीं किया है, या इस भावना से कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे सकते, ये भावना से किया नहीं किया दे ही नहीं सकते। चित्रगुप्त की अकाउंट मेंटेन करने की जो तरीके हैं वो बहुत ही न्यारे और निराले, इसीलिए तो उसका नाम चित्रगुप्त है कि करोड़ों मनुष्य का भी अकाउंट बहुत क्लियर रख सकता है, है ना। कई लोग हमसे पूछते हैं वो कैमरा कहाँ है, ऑपरेशन करवा दे, निकाल भी लेता है। वो भगवान ने कहीं नहीं बताया है, या वो इतना सीक्रेट है, जो कैमरा आप कितना भी स्कैन कर लो ना दिखाई देता है, एक्सरे निकाल लो ना दिखाई देता है कि वो कैमरा कहाँ है, और न किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से वो कैमरे को निकाल सकते हैं। चित्रगुप्त की सारी मशीनरी इतनी सूक्ष्म है कि कोई भी मनुष्य उसमें इंटरफियर या ये नहीं कर सकता है, उसके साथ फिडल नहीं कर सकता है कि उसको निकाल सके। तो इसलिए परमात्मा ने जो विधि बताई है, कर्म की श्रेष्ठ विधि, इस संगम युग में जब परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिलती है और उसके आधार पर जब हम चलते हैं, जीवन में श्रेष्ठ कर्म का आचरण करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात भगवान बैठकर हमारा भाग्य विधाता बन करके भाग्य लिख रहा है। और ये भाग्य जो लिख रहा है कि सतयुग और त्रेता युग का भाग्य इतना श्रेष्ठ और सुमधुर महसूस होता है कि जहां मनुष्य सुखद रूप से जीते हैं, और हर इंसान को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भगवान ने कोई ना कोई विशेषता ऐसी दी हुई है
इस युग में भी कोई ना कोई एक अच्छी बात हर एक के अंदर है, जिस माध्यम से मनुष्य जितना ऊंचा उठना चाहे, जितना आगे बढ़ना चाहे, जितना श्रेष्ठ कर्म करना चाहे कर सकता है। तो ये है कर्म की गुह्य गति, क्योंकि इस परिवर्तन की वेला में जितना हम स्वयं को अच्छी तरह समझते हुए परिवर्तन कर ले और श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने के लिए जो विशेषता मिली है उसके आधार से कर्म करना आरंभ कर दे, तो अनेकों की दुआएं परमात्मा दुआओं को प्राप्त करते हुए जब इस संसार से जाने का समय आ जाए तो इतना सुंदर तरीके से हम जाएं और सहजता से उस परमात्मा धाम में जाकर के परमात्मा प्यार की अनुभूति करते हुए आत्मशुद्धिकरण करके बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन को बना लें। तो ये है कर्म की गुह्य गति। Thank you.